इसी के साथ जनाब अशफाक बहराइची साहब को मैं दावत दे रहा हूँ इस शेर के साथ इस्तकबाल करें कि जलसे को नींद आ रही है जगाओ, जलसे को नींद आ रही है जगाओ, आओ आओ कोई नाते नबी गुनगुनाओ, कहा हो तुम ऐ फसले गुल की हवाओ, इधर भी तो गुजरो यहाँ भी तो आओ। जनाब अशफाक बहराइची, आप भी थोड़ा सा हजरत हाफिज साहब दरूद पाक पढ़ने अल्लाहु सल्लल्लाहु सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लम कमा तुहिब व तरजा कमा तुहिब व तरजा। हाँ, अब हाजिर करता हूँ यहाँ से एक मतला, एक शेर इन हुफाज़े किराम के लिए, और उसके बाद एक नज़्म की फरमाइश हुई है, उसमें से सिर्फ दो शेर पढ़ूंगा और अपनी जगह लूंगा, क्योंकि हजरत का बयान जल्दी होना है और हजरत को निकलना भी है। हाजिर करता हूँ, मुलायदा फरमाए कि हर वक्त सुना, हर वक्त सुना, हर वक्त सुना, हर वक्त सुना है जन्नत का, हर वक्त सुना, हर वक्त सुना, हर वक्त सुना है जन्नत का, सामान महकता रहता है, हर वक्त सुना, हर वक्त सुना, हर वक्त सुना है जन्नत का, सामान महकता रहता है, हर वक्त सुना, हर वक्त सुना, हर वक्त सुना है जन्नत का, सामान महकता रहता है, हर वक्त सुना है जन्नत का, सामान महकता रहता है, हुफाज़ के हाँ हुफाज़ के सीनों में हर दम कुरान महकता रहता है, हुफाज़ के सीनों में हर दम कुरान महकता सीनों में हर दम कुरान महकता रहता है। और अब इसी में एक नात का शेर बतौर खास मुलाहिदा थे कि इस वास्ते महकी महकी है तैबा में हवाएं हर जानिब, इस वास्ते महके महके हैं तैबा में हवाएं हर जानिब, इस वास्ते महके महके हैं तैबा में हवाएं हर जानिब, अरे तैबा में सुना, तैबा में सुना है नबियों का सुल्तान महकता रहता है, तैबा में सुना है नबियों का सुल्तान महकता रहता है, हर वक्त सुना, हर वक्त सुना है जन्नत का, सामान महकता रहता है। एक नज़्म की जिसकी फरमाइश हाफिज वसीम अकरम साहब ने किया था, मैं उसके दो शेर पढ़ देता हूं और उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। जब जब वक्त की पाबंदी आयद हो जाती है तो बिल्कुल मजा न पढ़ने वाले को आता है, न मुकर्रर को आता है, न शायर को, न मुकर्रर को, ये वक्त की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाजिर करता हूँ एक मतला है, दो शेर बस, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। मुलायदा फरमाए के बच्चों को अपने, बच्चों को अपने, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सर
सरकार के, सरकार के सीरत से जरा इनको सजाओ, सरकार के सीरत से जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। पहला बंद इस कलाम का हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा फरमाया कि को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैरा, अल्लाह सलामत रखे। के बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। बहुत शुक्रिया, आपकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, बहुत शुक्रिया। एक बंद इस कलाम का और हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिदा फरमाए के बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, के तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते, शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। अरे घर घर में यही, घर घर में यही, घर घर में यही, जाके तुम माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। के बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। आखिरी शेर इस बंद का पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा करें के पीटे के भी कराओ, इन्हें MBA कराओ, शर्त मगर पहले मुसलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों